ऑनरेबल लॉर्डशिप, ये दूसरी जमानत का आवेदन है। प्रथम जमानत आवेदन पर इस आधार पर निरस्त किया गया था कि डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन उस समय माननीय न्यायालय के समक्ष उन तथ्यों को प्रदर्शित नहीं किया गया। मैं माननीय न्यायालय की अनुमति से चाहूंगा कि कुछ तथ्य मैं माननीय न्यायालय के समक्ष रख सकूं। बताएं, प्लीज बताएं। मैं माननीय न्यायालय का ध्यान विनम्रता पूर्वक आकृष्ट कराना चाहूंगा। लॉर्डशिप, अगर देखेंगे इस प्रकरण की सबसे ज्यादा मैं जिस इसको विवादास्पद रिपोर्ट मानता हूं वो है शव परीक्षण रिपोर्ट। ऑनरेबल लॉर्डशिप, कृपया कर इस रिपोर्ट पर आप दृष्टिपात करेंगे जी। तो दिनांक 9, आप कहां से बता रहे हैं? सर मैं छिंदवाड़ा से हूँ, मेरा नाम पीयूष शर्मा है सर। जी जी लॉर्डशिप, इस मृतिका की पोस्टमार्टम दिनांक 9/4/2021 को तीन डॉक्टरों की टीम द्वारा रात 11:30 बजे की गई। लॉर्डशिप, सबसे पहला प्रश्न उठता है माननीय न्यायालय के समक्ष, ये माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन ये बात नहीं बता पाया कि आपको रात 11:30 बजे जहां पर पर्याप्त रोशनी और पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, बिना किसी मजिस्ट्रेट की परमिशन लिए आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे कंडक्ट की? पहला सवाल मेरा माननीय न्यायालय के समक्ष ये है। दूसरा लॉर्डशिप, ये कहते हैं अपनी ही इस रिपोर्ट में कि 100% बर्न इंजरी का केस है। लॉर्डशिप, श्रीमान माननीय न्यायालय से मैं इसी परीक्षा का तीसरा नंबर का जो पेज है उस पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। ये लिखते हैं कॉलम नंबर 11 में बाहरी और भीतरी जननेन्द्रिय, उसमें ये अलग स्याही से लिखते हैं एनएडी, जिसका अगर माननीय न्यायालय के समक्ष मैं अर्थ स्पष्ट करता हूं तो वो लिखते हैं कि नॉट एनी एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट, लेकिन अगले ही नीचे ही कोई अन्य व्यक्ति लिखता है कि वेजाइनल स्लाइड प्रिपेयर्ड एंड सील्ड हैंडेड ओवर टू पुलिस लेडी संगीता। लॉर्डशिप, रात 11:30 बजे पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन फिर मैं माननीय न्यायालय का ध्यान विनम्रता पूर्वक आकर्षित कराना चाहूंगा। सर, संगीता युवनाती की जप्ती पर अगर आप दृष्टिपात करते हैं लॉर्डशिप, तो ये देखेंगे कि ये पोस्टमार्टम के पहले दोपहर 3:50 पर हो गई थी, जबकि पोस्टमार्टम रात 11:30 बजे हो रहा है। तो पुलिस के पास किसी भी महिला के वेजाइनल स्लाइड बनाने की क्या क्षमता थी? माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन इस बात को स्पष्ट करने में पूर्णतया विफल रहा है कि पोस्टमार्टम तारीख बताइए सर, 9/4/21 को 3:30 पर वेजाइनल स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हैं सर। अच्छा, लेकिन कॉलम नंबर 13 में आप देखेंगे, कॉलम नंबर 13 में नमूना सील की जगह संगीता अंकित है, लेकिन थाने की सील नहीं लगी हुई है। माननीय न्यायालय से मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा, मेरा निवेदन है सर, ये चूंकि मेरा पहला अवसर है इसलिए अगर कोई दृष्टांत हो तो क्षमा करें। आप बिल्कुल आराम से बहस कर लीजिए सर, डोंट वरी। लॉर्डशिप, मैं पहली चीज, ये जो मैंने तैयारी की थोड़ी सी, डॉक्टर पारिक और मोदी हैं, इनके मुताबिक जब इन्होंने अपनी किताब लिखी थी जिस पर ये डॉक्टर्स पढ़ाई करते हैं, इनमें इन्होंने लिखा था कि शुक्र के धब्बों की परीक्षा। लॉर्डशिप, ये बताते हैं कि स्पर्मेटोजोआ जिसको शुक्राणु कहते हैं, इसकी उपस्थिति जानना कोई सरल कार्य नहीं है। इसके विरोधी तत्व जैसे कपड़ों का प्रकार, पुरानापन और प्रयोगशाला में पहुंचने तक वे धब्बे किन परिस्थितियों से गुजरे हैं, इस चीज को माननीय न्यायालय के समक्ष बताना बहुत आवश्यक होगा। लॉर्डशिप, पहली चीज ये उठती है कि आप 9/4/21 को मृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंडक्ट करने से पहले बिना सील बंद लिफाफा तैयार करे वेजाइनल स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, इस चीज का मेरी बात से रिलेवेंस इस बात पर है माननीय न्यायालय से मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है सर, कि जो महिला 100% जल चुकी हो, आप उसके योनि मार्ग से शुक्राणु कैसे प्राप्त कर पाएंगे, जबकि जो स्पर्म होते हैं वो मतलब दाह के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और जब कोई महिला 100% ही जल चुकी हो तो ऐसी दशा में प्रथम दृष्टया ये भ्रम और प्रथम दृष्टया संदेह उत्पन्न होता है कि जलने के बाद किसी भी महिला की वजाइनल स्लाइड प्रिपेयर नहीं की जा सकती। ऑनरेबल लॉर्डशिप से मेरा दूसरा बहुत बड़ा निवेदन है सर, अभी मैं एक लेटेस्ट एक जजमेंट था जिसमें शरद बिरतीचंद का हवाला हुआ था, और एक हवाला आया था सर 1984 का, चार सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल माननीय उच्चतम न्यायालय का पेज नंबर 116 है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी माननीय न्यायालय के समक्ष अगर आप कोई भी प्रकरण पेश करते हैं जिसमें आप परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की बात करते हैं, तो माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन को यह स्पष्ट तौर पर बताना पड़ेगा कि केवल आप कह देने मात्र से कि कोई व्यक्ति अभियुक्त है, कह देने मात्र से कि कोई रिपोर्ट अभियुक्त के खिलाफ है, आप उसको अभियुक्त साबित नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास चेन बाय चेन, कड़ी बाय कड़ी और साक्ष बाय साक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष संदेह से परी कोई चीज प्रमाणित नहीं होती है। लॉर्डशिप, ठीक इसी तरह की प्रकृति का मामला था हेमंत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी रवि कुमार
सॉरी राहुल वाला केस था जी सर, ये कॉपी वर्सेस स्टेट सर, सर ये वाली कॉपी सर को दीजिए। मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है, और मैं माननीय न्यायालय का इस जजमेंट की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा सर। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस जजमेंट की बड़ी जोरों से चर्चा है, जिस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सर, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने डीएनए प्रोफाइलिंग को पेज नंबर 138 से डिस्कस करना शुरू किया था, और उसमें हाँ सर मतलब वो शायद कंडी का क्रमांक 138 से सर, हाँ, जी, जी। उसमें उन्होंने डीएनए प्रोफाइलिंग पद्धति के बारे में बताया सर जी। माननीय उच्चतम न्यायालय का ऐसे मामलों के बारे में कहना था कि डीएनए किया जाता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन डीएनए को करने के लिए और माननीय न्यायालय के समक्ष डीएनए की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए इसकी आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि जो स्लाइड है, जो नमूना है, उसको विधिवत संरक्षित किया गया, उसको विधिवत लैब तक पहुंचाया गया, क्योंकि डीएनए के ऐसे अणु होते हैं जो शरीर के किसी भी तरल भाग द्वारा गुजरते रहते हैं। इसी तरह डीएनए का पॉजिटिव आ जाना किसी अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि ऐसी संपूर्ण परिस्थितियों को माननीय न्यायालय के समक्ष स्पष्ट ना कर दिया गया हो। लॉर्डशिप, इस पूरे प्रकरण में जो मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष अभी प्रकरण प्रस्तुत किया है, उसमें भी 5 माह के विलंब के बाद ये जो सैंपल था पहुंचाया गया। लॉर्डशिप, इस प्रकरण में ना तो कोई सीलबंद लिफाफा है, और आफ्टर मतलब 4 माह के बाद सर ये इसकी डीएनए सैंपलिंग कराते हैं, ये इसकी रिपोर्ट आती है सर 20/9/2021 को। लॉर्डशिप, 20/9/2021 की आप रिपोर्ट देखेंगे, और 9/4 को महिला का पोस्टमार्टम रात 11:30 बजे हो रहा है साहब। 3 महीने तक ये कहां इस स्लाइड को रखे रहे बिना सीलबंद नमूने को जी। थाने में रखा रहा जी। थाने में जब आप रखे रहते हो तो नमूने से छेड़छाड़ करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और लॉर्डशिप, इस प्रकरण की सबसे बड़ी चीज आती है कि जब ये वेजाइनल स्लाइड और स्वैब बताते हैं, जबकि मैंने माननीय न्यायालय को पूर्व में निवेदन कर बताया था कि इन्होंने केवल सर स्लाइड प्रिपेयर की थी, स्वैब नहीं बनाया था सर जी। तो सर ये स्वैब इनको कहां से प्राप्त हो गया अतिरिक्त? इसका मतलब ये है कि अभियुक्त को झूठा बचाने के आशय से इन्होंने ये पूरी कथा रची है। लॉर्डशिप, इसके बाद जब ये जांच होती है फिर ये स्लाइड वापस आता है। लॉर्डशिप, ये इसका ब्लड निकालते हैं। ब्लड इन्होंने निकाला, किस अवस्था में निकाला, कितनी मात्रा में निकाला, किस तो उसका तो मेमो होता है, बनता है सर। लेकिन मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि सर आपने तो ब्लड निकाल लिया, लेकिन इसके पहले तक हमको फंसाने की संपूर्ण कार्यवाही अभियोजन के द्वारा सुनिश्चित कर ली गई। आईओ एग्जामिन हो गया सर, आपसे पूछा ये सब चीजें सर? अभी तो मैं माननीय न्यायालय के समक्ष डिले के लिए आया था कि हमारा ट्रायल नहीं हो पाया। बेल देने आए, बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन ये सारे सवाल तो आप आईओ से पूछेंगे ना। मैं माननीय न्यायालय के समक्ष प्रॉपरली सील नहीं किया गया, डॉक्टर आएगा डॉक्टर से पूछेंगे सर, है ना? और सर आप उससे पूछेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे, 100% बर्न केस में जो है ये स्लाइड बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ द बर्न इंजरीज ऑन द एफिकेसी ऑफ द स्पर्म्स और द डीएनए मटेरियल व्हिच हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द वजाइना ऑफ द विक्टिम। तो ये सब बातें तो आप वहां पूछेंगे। मैं माननीय न्यायालय से एक विनम्रता पूर्वक और एक निवेदन करूंगा, आप घटना बताते हैं साहब, अभियोजनी घटना बता रहा है, जिस दिनांक की घटना बता रहा है ये बता रहा है सर। मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय न्यायालय ने अपने सुस्थापित सिद्धांतों पर बताया है कि जब आप कहते हैं तो संदेह से परे प्रकरण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। लेकिन सर, संदेह से परे नहीं है सर, ये प्रथम दृष्टया की बात कर रहा हूँ सर। आप बता रहे हैं कि जो अप्रैल 2021 जिस समय पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, उस दिन आप लॉकडाउन के समय में घर में लड़की को अकेला छोड़कर कहीं जाते हैं। लॉर्डशिप, जब लॉर्डशिप वहां पे सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसी दशा में कोई किसी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन तीसरी बात, मेरा माननीय न्यायालय से सिर्फ एक बात कहनी है कि जब आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, आपने फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाते हुए अभियुक्त को ब्लड सैंपल कराया जिसमें भी काफी विलंब हुआ, ऐसी दशा में अभियुक्त माननीय न्यायालय से रहम की पात्रता रखता है क्योंकि इसका सर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। माननीय न्यायालय से मेरा इस बात के लिए भी विनम्र आग्रह है कि सर आज एक जो लड़का बहुत मेहनत कश मजदूरी के साथ अपना जीवन यापन करता है, उसको जिन आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष उसका प्रकरण प्रस्तुत किया गया है वो रहम के आधार पर और इस सद्भाविक आधार पर कि उसको लगभग एक वर्ष हो गया है, ऐसी दशा में भी हम शायद माननीय न्यायालय से रहम की पात्रता रखते हैं। जो जितना आर्गुमेंट ले रहे हैं सर, उससे तो सब डॉक्टर और आईओ ही बता पाएगा, बाकी मेरिट पे तो सर जो दो विटनेस हैं प्राची और आशिता, जिनकी जो सहेली है जी, इसने पूरा बताया। क्या बताया? पढ़िए सर,
और जो ये डिसीज है सर, एज एट अबाउट 15 इयर्स ऑफ एज। बंद कैसे हो गया था ये? आपने बंद किया था ये? अभी मैंने ऑन किया, बंद कैसे हो गया? मैं माननीय न्यायालय से एक बात और कहना चाहूंगा। माननीय न्यायालय अक्सर ये कहते हैं कि किसी भी जमानत को देखते हुए ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, साक्ष्य को टेम्पर्ड करने की स्थिति, और जैसा भी प्रोसिक्यूशन ने कहा है सर, डॉक्टर और पुलिस तो हमारी जद में नहीं है, और जिनका नाम आप ले रहे हैं सर, उनके भी साक्ष्य कराए गए हैं घटना के 6 माह बाद। जो रिलेवेंट पोर्शन है प्लीज पढ़ सर, कि राजा गुप्ता जनवरी 2020 में डांस का प्रोग्राम के पहले मुझे सिवानी आहके एवं सिवानी की माँ, सिवानी की बुआ व परिवार के लोगों को लेकर देवरानी दाई मेला में ऑटो से लेकर गया था। तभी से सिवानी एवं राजा गुप्ता का परिचय हो गया। ऑटो राजा गुप्ता के पास है। कक्षा 10वीं पास करने के बाद हम लोग एडमिशन कक्षा 11वीं इसी स्कूल में हो गया था। कक्षा 11वीं में प्राची भी एडमिशन ले ली थी। मैं, प्राची व शिवानी आके तीनों अच्छे दोस्त थे। शिवानी कक्षा 11वीं में मैं बताती थी कि राजा गुप्ता से उसका प्रेम संबंध हो गया है, राजा गुप्ता शादी करेगा। दिनांक 7/4/2021 को हम तीनों लोग रोजाना की तरह ज्ञानोदय स्कूल में कोचिंग में गए थे। तो शिवानी दुखी थी। मैंने पूछा कि क्यों दुखी हो, तो उसने बताया कि राजा गुप्ता ने मुझसे प्रेम संबंध है और उसने साथ में गलत काम भी किया है, लेकिन अब शादी से मना कर रहा है। दिनांक 8/4/2021 को फिर शिवानी 10 बजे रोजाना की तरह कोचिंग में आई थी और वह काफी दुखी थी। तब मैंने उससे पूछा कि क्यों दुखी है, तो शिवानी बोली कि मैं, वह बर्बाद हो गई है और राजा गुप्ता शादी करने से मना कर रहा है। फिर करीब 12 बजे कोचिंग समाप्त होने पर शिवानी अपने घर चली गई। फिर शाम को 6 बजे कोचिंग वाले शरीफ सर ने मुझे फोन करके बताया कि शिवानी जलकर मर गई है। मैंने शिवानी और राजा गुप्ता के प्रेम संबंध की बात पहले भय के कारण किसी को नहीं बताई थी और पहले पुलिस वालों ने भी पूछताछ नहीं किए थे, और जब पुलिस वालों ने मुझसे पूछताछ की है, तब मैंने शिवानी और राजा गुप्ता के प्रेम संबंध की बात बताई थी। इसी प्रकार सर प्राची का स्टेटमेंट है। लड़की तो माइनर है ना, 15 साल की और डीएनए रिपोर्ट लिखिएगा। श्री पीयूष शर्मा, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट राजा गुप्ता। This is second bail application on behalf of the applicant under section 439 CRPC. Case crime number 222 of 2021 is registered at police station Ravanwara, district Chindwara, for offence under section 305, 376 within bracket 3. 376 within bracket 2, another bracket small j, 376 within bracket 2, another bracket small n of the Indian Penal Code, section 5, 6 of POXO Act, section 31W2 and 32V, 325 of Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act. First stop. It is submitted that applicant is in custody since 29/10/2021. Next paragraph. Shri Piyush Sharma submits that the whole story of the prosecution is full of improbabilities. Full stop. He submits that postmortem was conducted at 11:30 p.m., which is not permissible without taking consent of the concerned magistrate. Full stop. It is further submitted that there is a mention of preparation of a vaginal slide in the postmortem report, but vaginal slide was seized at 3:30 p.m. was prepared at 3:30 p.m. as is evident from the memorandum prepared in support of preparation of such vaginal slide. Full stop. Shri Sharma further submits that the vaginal slide was kept in open for a long period of 5 months
इन एज मच एज डीएनए रिपोर्ट इज डेटेड 20/9/2021 फुल स्टॉप ही एलिजेस दैट दिस सैंपल वाज लाइंग विद द कंसर्नड पुलिस स्टेशन एंड वाज नॉट फॉरवर्डेड टू द कंसर्नड लेबोरेटरी फुल स्टॉप ही फर्दर सबमिट्स दैट व्हेन द डिजीज्ड डाइड ऑफ बर्न इंजरीज व्हिच हैव बीन सर्टिफाइड टू बी 100% by the concerned doctor, then with the concerned team of doctors which conducted postmortem, then there was no possibility of survival of DNA material in the sperm which has been allegedly matched with the blood sample of the present applicant. Full stop. Shri Sharma also raises a doubt over the efficacy of sampling methodology and relying on the judgment of Supreme Court in criminal appeal number 611 of 2022 Rahul versus State of Delhi Ministry of Home Affairs and other connected criminal appeal number 612-613 of 2022 Ravi Kumar versus State of NCT of Delhi with criminal appeal numbers 614-615 of 2022, Vinod alias Chotu versus the State Government of NCT of Delhi Home Affairs. It is submitted that complete sampling methodology has been discussed in para 31 of the said order. Full stop. Honorable Supreme Court has exhaustively quoted relevant paragraphs from another judgment of Supreme Court in Manoj and others versus State of Madhya Pradesh bracket 2022 bracket close SCC online SC 677 and reading this it is submitted that there is neither for adherence of the protocol for taking samples for DNA testing, nor there is any material to point out guilt of the present applicant. Full stop. It is submitted that present applicant is a self-employed person. He is young, is a youth of aged about 21, 22 years. He be enlarged on bail. Next panel. Shri Ajay Kumar Tamrakar, learned panel lawyer for the state, submits that statements of two of the friends of the deceased Shivani are available on record, namely Prachi and Archita, who have expressed in their statements that deceased was having a filial relationship with the present applicant who was driving auto at the relevant point of time which they used to engage to travel up to their school. Next, it is submitted that disease had confided in them that he had established physical relationship with her and thereafter refused to marry her. Full stop. They submitted that all these facts require detailed elaboration and evidence of these witnesses, namely Archita and Prachi, is vital to the case of the prosecution. And if present applicant is enlarged on bail, then he will try to tamper with the evidence. Next para. It is further submitted that all the arguments raised by learned counsel for the applicant Shri Piyush Sharma are matter of evidence and they cannot be decided at the time of deciding this bail application. Next, after hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that first bail application was dismissed due to finding of the concerned SFSL laboratory that DNA material found on the vaginal slide matches with the DNA material
collected with collected from the present applicant. Full stop. There is no change of circumstance. Though Shri Piyush Sharma has vehemently argued and has tried to raise doubt about the efficacy of the sampling procedure. Full stop. However, this efficacy of sampling procedure can be tested before the trial court and not in an bail application. Therefore, for the present, taking this fact into consideration, that deceased was a minor, aged about 15 years, there is evidence of establishment of physical relationship, which has been confirmed in the form of DNA report, comma. It cannot be said that applicant is not guilty or prima facie not guilty of the offences charged with. Full stop. Application fails and is dismissed. Fabulous. Number 8, Sandeep Kumar Jain.